देखिए बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, और इसके साथ साथ जो क्रिकेट है जिसको एक बाइंडिंग फोर्स माना जाता है, जब भी भारत पाकिस्तान खेलते हैं तो करोड़ों में दर्शक जो हैं दोनों ही देशों के वो टीवी सेट से या फिर ग्राउंड में जुड़ जाते हैं अपनी टीम का समर्थन करने के लिए, वो भी होने के चांसेस अब कम दिख रहे हैं, चाहे वो ICC इवेंट्स हो या ACC इवेंट्स हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ है इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट रिश्तों को लेकर के, और क्या होने वाला है भारत पाकिस्तान के बीच में मैचेस को लेकर के, स्पेसिफिकली ACC और ICC इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए। नमस्कार, आपके लिए हम लाते हैं डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स कंटेंट और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट इस तरीके से कि जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है PCB, वो अपने स्टांस पर अड़ा हुआ है। स्टांस बहुत सिंपल है कि वो ये कह रहा है कि भारत को हर हाल में पाकिस्तान आना पड़ेगा एशिया कप खेलने। अगर भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान की जो टीम है, जो कि भारत में 2023 का ODI वर्ल्ड कप होने वाला है, वो नहीं जाएगी। आपको बता देते हैं, खबरें यही थी कि भारत की जो गवर्नमेंट है, भारत की जो सरकार है, वो जो खबरें आई थी वो ये कि वो परमिशन नहीं देगी भारतीय टीम को पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए। इसलिए एक रिपोर्ट थी कि भारत के जितने भी मैचेज हैं एशिया कप के वो UAE में होंगे और बाकी टीमें जो हैं वो पाकिस्तान में जा करके खेलेंगी। अगर भारत फाइनल में क्वालिफाई करता है तो मुकाबला जो है वो UAE में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई जीम आई है, जिसको हेड कर नजम सेठी, उसके सख्त खिलाफ है। उन्होंने कहा जब होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को मिली है तो भारत जो है वो अपनी मनमानी नहीं चला सकता, BCCI अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक मीटिंग रखी गई है जो कि 20-21 मार्च को होगी दुबई में। इस मीटिंग को हेड करेंगे जय शाह, जो कि ACC के भी प्रेसिडेंट है, जहां पर PCB जो है वो अपना पक्ष रखेगी। PCB की तरफ से 3 मेंबर्स आएंगे। उस कमेटी के हेड होंगे नजम सेठी, जो कि PCB प्रेसिडेंट है, और उनकी मांग सिर्फ और सिर्फ यही होगी कि इंडिया को हर हाल में पाकिस्तान आना पड़ेगा एशिया कप खेलने। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता एशिया कप खेलने तो पाकिस्तान की जो टीम है वो भी इंडिया नहीं जाएगी वर्ल्ड कप खेलने, वो बायकॉट करेगी। हालांकि एक सेक्शन जो है जर्नलिस्ट का, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का है या जो पाकिस्तानी मीडिया का है, वो ये कहता है कि ऐसे पास पर भी PCB ने बहुत सारी धमकियाँ दी हैं कि वो इंडिया नहीं जाएंगे, लेकिन एट द एंड हमने देखा है कि मनी इंपॉर्टेंट है और PCCI जो है वो बहुत पावरफुल बोर्ड है। एट द एंड आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 2023 का वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी। जो मीटिंग है ये 20-21 मार्च को होने वाली है, वो बेसिकली लास्ट मंथ की ACC मीटिंग जो बहरीन में हुई थी, जिसमें एक कोई क्लियर कट रेजोल्यूशन नहीं निकल पाया था इसी डिसीजन को लेकर के कि भारत पाकिस्तान जाएगा या पाकिस्तान इंडिया आएगा, उसी वजह से इस मीटिंग को आगे के लिए बेसिकली पोस्टपोन कर दिया गया था। अब ये देखना होगा कि इस मीटिंग को जिसको हेड कर रहे हैं जय शाह, इसमें क्या आउटपुट आता है, क्या पाकिस्तान जाएगी भारतीय टीम, क्या पाकिस्तान की टीम भारत आएगी, आपको क्या लगता है, ये सारी चीज़ें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। देखते हैं कि जब मीटिंग होती है तो क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं, और ये भी ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में कि इस मीटिंग का क्या कंक्लूजन निकलेगा आपके हिसाब से। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं क्रॉस ऑल इंडियन स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुड बाय फॉर नाउ, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।